Very good afternoon, guys. I hope you are absolutely doing wonder in your life and spreading love and happiness and obviously positivity and ignoring the negative people and negative vibes in your life. So today is 5th of January. It's Saturday 2019 and the temperature here is 29 degrees Celsius. It's very unhealthy air in Mumbai. So today I'm going to talk about a topic which is ki aaj kal sab logon ko ek issue hai ki ye banda to mujhe call hi nahi karta. मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कॉल नहीं करता, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कॉल नहीं करती, मेरा जो भाई है छोटा वो मुझे कॉल नहीं करता, मेरी जो बड़ी बहन है वो मुझे कॉल नहीं करती, मेरे जो फूफा के भाई हैं, मेरे जो फूफा की बेटी हैं, मेरे जो चाचा के लड़के हैं, मेरे जो मौसी की लड़कियां हैं और मेरे जो रिलेशन में, इन शॉर्ट देर आर थाउजेंड्स ऑफ जो भी नामे हैं, आप उन सबको ले लो, छोटे को भी ले लो और बड़ों को भी ले लो. बड़े भी जो हैं, बड़े को ये छोटे से शिकायत है और छोटे को ये बड़ों से शिकायत है. तो ऐसे लोग, जितने लोगों को ये इशू है कि मुझे तो कोई कॉल ही नहीं करता या मुझे तो ये बंदा कॉल ही नहीं करता स्पेसिफिकली बिकॉज वो तो बहुत ही बड़ा आदमी हो गया. जो लोग ऐसा सोचते हैं गाइज, उनके लिए बस एक छोटी सी सवाल है कि जितने भी लोगों के मन में ये सवाल है कि अरे यार वो बंदा तो बड़ा आदमी हो गया, वो कैसे कॉल कर लेगा, ये तो बड़ा आदमी हो गया, एक छोटी सी सवाल है आपसे, क्या आप उस बड़े आदमी को जिसके बारे में आप ये सोच रहे हैं कि वो बड़ा हो गया या उसके अंदर एटीट्यूड हो गया या जो कुछ भी हो गया, क्या आप उसको कॉल करते हैं, यस या नो? एंड आई एम 1010% श्योर गाइज कि आप उनको कॉल नहीं करते. सो वॉट हैपन्स, जितने लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है ना, वो जो लोग हैं वो खुद जो है कॉल नहीं करते हैं, ठीक है, दे डोंट कॉल एंड दे स्टार्ट थिंकिंग ऑन अ टॉपिक कि सामने वाला कॉल नहीं कर रहा है और उसको एक मुद्दा बनाते हैं. गाइज, इट्स जस्ट अबाउट अ सिंपल थिंग, इफ़ यू रियली लव समवन, it's never like you will have any kind of expectation with anyone. When you literally love someone, you will just have one tendency ki aapko bas dena hai. To aap usi logon se ye shikayat kar rahe hain jisse aap dil se pyar nahi kar rahe hain. Yes guys, I am repeating it once again, aapko ye shikayat sirf un logon se hai jisse aap dil se jude nahi rehna chahte ho ya dil se baat nahi karna chahte ho. आई एम डैम श्योर कि आप एक बार अपने आईने के सामने जाओ और ख़ुद से सवाल करो कि जिनसे आपको ये शिकायत है, आपने उनको कितनी बार कॉल किया या आपने उनका हाल कितनी बार पूछा. जब आप किसी से सच्चे दिल से प्यार करते हो ना, तो आपको उनसे किसी भी तरह की शिकायतें नहीं होती है, आपको बस उनसे बात करना होता है, आप उनको अच्छाई बांटते हो, उनको प्यार बांटते हो, उनको अच्छा एनर्जी देते हो. एंड दिस इज़ हाउ यू ग्रो इन लाइफ, दिस इज़ द फैक्ट ऑफ द लाइफ. सो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, लाइक आई टॉक टू माय नानी. माई नानी इज़ बेसिकली द सिस्टर ऑफ माई नाना जी, जो मतलब हमारी एक्चुअल नानी है, उनको हम माँ बोलते हैं. तो मेरी नानी जो है वो अभी थोड़ी बीमार रहती है, बहुत बूढ़ी हो गई है, तो उनसे मैं जब भी बात करता हूँ वो कभी भी ये नहीं बोलती. और उनसे भी मैं इनफैक्ट हर महीने या हर दो महीने तीन महीने में भी बात नहीं करता हूँ, मैं बात जब भी करता हूँ चार महीने पाँच महीने छः महीने में ही एक बार करता हूँ. तो जब भी ये बात करता हूँ तो उनको ये कभी भी, शी टेक्निकली नेवर हैज़ सच काइंड ऑफ इश्यू की, एंड सी नेवर टॉक्स इन अ वे कि अरे तुम तो कॉल ही नहीं करते, तुम तो बहुत बड़े लोग हो गए, तुम तो अब तो बड़े आदमी हो गए तो हमें कॉल क्यों करोगे. सी हैज़ ओनली वन सेंटेंस, दैट इज़ कि बेटा कैसे हो, और तुमको देखने के लिए जो है जी तरस रहा है, और बस एक बार आके मिल लो और तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, दिन दुगुनी रात चौगुनी करो, तुम्हारे इस बढ़ते हुए सफलता को देखकर बहुत खुशी हो रही है. सो अल्टीमेटली गाइज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि द पीपल, दोज हु लिटरली विल लव यू, दे विल नेवर हैव सच काइंड ऑफ इश्यूज विथ यू. और जो लोग को आपसे डीप इनसाइड कहीं ना कहीं दिल में आपके प्रति कुछ ना कुछ, मतलब समझ लीजिए उसको जेलसी बोल दीजिए या एक नेगेटिव एटीट्यूड बोल लीजिए या वॉट एवर, ऐसे ही लोग को आपसे ये शिकायत होगी कि वो आपको कॉल नहीं करता है या करती है या वॉट एवर. दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर एनी रिलेशनशिप ऑफ दिस वर्ल्ड, लेट इट बी ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, हस्बैंड एंड सिस्टर एंड सिस्टर्स हस्बैंड एंड वॉट एवर द थिंग इज़ देयर गाइज, स्मॉल ब्रदर टू बिग ब्रदर और स्मॉल ब्रदर टू बिग सिस्टर और वॉट एवर. ये सारे लोग जो हैं जिनको भी ये क्वेश्चन हो रहा है, वो बस दिल से पूछें कि क्या आप किसी को कॉल कर दे रहे हो या क्या आप किसी से हंस के बात कर रहे हो या क्या आप, अगर मान लो सामने वाला आपको नहीं कर रहा है कॉल, तो क्या आप कर रहे हैं. सो गाइज, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. तो आप अगर जो चीज़ नहीं कर रहे हो तो उस चीज़ का एक्सपेक्टेशन मत रखिए आप, ठीक है.
लाइक मैं किसी को कॉल नहीं करता हूँ अपने रिलेटिव में, रिलेशन में, मैं अपने किसी भी रिलेशन मेंबर में किसी को भी कॉल नहीं करता हूँ, लेकिन मैं किसी से एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखता हूँ कि कोई मुझे कॉल करे, क्योंकि मैं अगर किसी का बड़ा भाई हूँ या छोटा भाई हूँ तो ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने बड़े भाइयों से या छोटे भाइयों से या छोटी बहनों से या अपनी मौसी से या अपने चाची से या किसी से भी मैं ये पूछूँ। छोटे होने के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं लोगों से बात करूँ, तो क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। लेकिन हाँ, उन बड़े लोगों का भी ये बिल्कुल कर्तव्य होता है कि छोटे लोगों से बात करें, तो क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ तो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन मेरे साथ ये हो रहा है कि सामने वाले को मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। सो और उन्हीं लोगों को एक्सपेक्टेशन है अल्टीमेटली, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जिनको कि आपसे कहीं ना कहीं दिल में आपसे आपके प्रति थोड़ी जो है शिकायतें हैं या रंजिशें हैं या जो भी आप बोल लें। सो गाइज, ओनली वन थिंग फॉर देम, Try to ignore such people, because you can never make such people happy in your life ever. So वैसे energy को आप बिल्कुल भी ignore करें, जो लोग आपसे दिल से the people those will literally love you and they really want to be connected with you in your life, they will be at any situation, no matter whatever situation you will be in. I'll give you a simple example of your dog. If you guys have a dog or if you don't have a dog, तो आप कभी इस चीज़ को आजमाना, आप कुत्ते से या अपने पेट से आप जब भी मिलोगे, आप कहीं भी बाहर से आओ तो वो आपसे उसी तरीके से मिलेंगे जब आप उनके लिए बिस्किट लेके आओ या बिस्किट ना लेके आओ, ठीक है। या आप नौकरी कर रहे हो या सपोज़ एक दिन नौकरी रिज़ाइन करके आ रहे हो, उस दिन भी वो कुत्ता जो है आपसे उसी तरीके से मिलेगा, ना कि वो आपसे रिएक्ट करेगा कि अरे आपने बिस्किट नहीं लाया आज तो मैं आपसे मिलूँगा नहीं। तो गाइस, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन शुरू हो जाता है वहाँ पर जो प्यार है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। सो गाइस, इफ़ यू लिटरली लव समवन, लव देम विदाउट एक्सपेक्टेशन, डोंट लव देम विद एक्सपेक्टेशन कि मैं कोई आपको कॉल करे और कोई आपसे अच्छाई, मतलब आपसे बात करे। तो गाइस, एक्सपेक्टेशन जिन लोगों को है वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करते, और जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं वो आपसे तहे दिल से मरते दम तक प्यार करेंगे, बिना आपसे कुछ भी चीज़ चाहे। दिस इज़ द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। सो फ्रॉम टुडे अनवर्ड्स आई एम स्टार्टिंग अ टॉपिक विच विल बी हैशटैग ट्रूथ ऑफ लाइफ। ट्रूथ ऑफ लाइफ मैं एक कंटेंट शुरू कर रहा हूँ, और गाइज आप लोग बिल्कुल फ्री हैं, यू कैन डू कमेंट। आप पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें, और अगर आपको ना पसंद आए तो बिल्कुल डिसलाइक करें और कमेंट करें व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू। वी विल एक्चुअली हैव अ डिबेट एंड वी विल स्प्रेड अ पॉजिटिव मैसेज एंड ट्रूथ ऑफ लाइफ। सो आज से ये शुरू हो रहा है, 5th of January 2019। सो गाइज, तब तक के लिए स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, इग्नोर नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव वाइब, एंड एक्सेप्ट पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव पीपल इन योर लाइफ। देर इज़ नो एनी इश्यू इन योर लाइफ, गॉड इज़ ग्रेट, बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी, एंड यस, विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। एंड ट्रूथ ऑफ लाइफ, दिस इज द न्यू हैशटैग विच आई हैव स्टार्टेड। सो यस गाइज, मिलते हैं एंड टेक केयर, बाय बाय।